गाइस एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल श्री राम फार्मिंग। आज हम सुल्तानपुर आए हुए हैं और आपको आज हम बताते हैं स्प्राइलूना कैसे निकाला जाएगा। और बहुत किसान भाई कमेंटमेंट करते थे कि जो है कैसे जो है निकालना है, कैसे बेचना है, क्या इसका उत्पादन है, कैसे हम करें। तो आज आप लोगों को हम बताएँगे कैसे इसको स्टार्ट करें, कैसे जो है इसको करना है, क्या क्या इसमें मटेरियल लगेगा और हम क्या कैसे कर पाएँ। तो दोस्त जो है आपको बताना चाहते हैं, आप सबसे पहले ट्रेनिंग ले लीजिए, ट्रेनिंग कहीं से भी ले सकते हैं और जो है इसके बाद जो है आप कर सकते हैं। करने के लिए जो है इसमें बहुत खर्चे लगती है, लेकिन जो है छोटे से भी कर सकते हैं, बहुत गरीब किसान भाई हैं। तो जो है इसमें 2000 ईंट जो है पहले ले लीजिए, उसकी जो है मिस्त्री बुला कर उसको जुड़वाइए। उसकी ऊँचाई जो है 3 फुट होनी चाहिए और जो है जमीन का चारों तरफ जुड़ जाए। इसका जो है नाप जो है पहले आप कर लीजिए, 6 फुट चौड़ा होना चाहिए और लंबाई आप कुछ भी ले सकते हैं, जिससे कि निकालने में आपको दिक्कत ना हो। तो ये हो जाएगा। इसके बाद आपको पॉलीथीन खरीदनी पड़ेगी, पॉलीथीन आप लगा देंगे। इसके बाद इसमें पानी डालना पड़ेगा, पानी जब भर गया, पानी जो है आपको 1.5 फुट करना है। 1.5 फुट के बाद जो है आपको एक मोटर लगा देना है दोनों किनारे, जिससे जो है पानी जो है ग्रो करता रहे, चलता रहे। तब आप इसमें जो है मीठा सोडा डालिए, एनपीके डालिए, ये सब मिलाकर जो है आपको डालना पड़ेगा, एसएसपी डालना पड़ेगा, जिससे हमारा पानी खारा हो पाए। पानी जब खारा हो जाएगा तब मदर कल्चर डाल दीजिए। मदर कल्चर जब डाल देंगे, ये जो है 100 से 120 दिन में जो है ग्रो करने लगेगा। जब ग्रो कर जाएगा तो आपका स्प्राइलूना बनने लगेगा। आज आपको हम आँखों देखी हाल दिखाते हैं कि कैसे हमारा स्प्राइलूना बना हुआ है। बहुत से लोग कमेंट किए थे कि सर जी जो है कैसे हम देख पाएंगे कि स्प्राइलूना कैसे बनता है, क्या बना है। तो आज आपको सारा चीज़ दिखाते हैं कि मेरा स्प्राइलूना बन चुका है। आपको हम दिखाते हैं कैसे हम निकालते हैं और जो है निकालने की विधि बताएंगे आपको। निकालने का बहुत सरल तरीका है। बहुत भाई कहते हैं हम किस चीज़ से निकालें, तो दोस्त ऑटोमेटिक प्लांट में क्या है, मोटर लगता है, मोटर द्वारा जो है कपड़े में जाता है तो छन के निकलता है। लेकिन हम लोग जो है एकदम जो है सरल विधि से आपको बता रहे हैं, जो कि जिसमें कम खर्च लगता है। आप एक जो है देहात में जो मिलती है चलनी, उसको ले लीजिए, उससे जो है आप निकाल सकते हैं और उसमें जो है ऊपर से कपड़ा लगा लीजिए। देखिए जो है हमारे भाई साहब कैसे निकाल रहे हैं और जो है बहुत संघर्षशील हैं, यही जो है सारा प्रोजेक्ट देखते हैं। और आप जो है देखिए निकाल रहे हैं, देखिए। और भाई साहब कुछ लोग आए हुए हैं बाहर से, जो कि ये प्रोजेक्ट विजिट करने आए थे। आज उनको दिखाते हैं, उनसे मिलाते हैं आप लोगों को कि जो है आप उनसे परिचय लीजिए। ये देखिए हमारे भाई साहब आ चुके हैं, बहुत दूर से चल के आए हैं और जो है इनसे आपको हम परिचय कराते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। तो आप जो है कहाँ से आए हैं, आप छोटा सा परिचय हमारे किसान भाइयों को दीजिए। बल्दी राज सुल्तानपुर से आए, हमारा नाम प्रभात सिंह है। मैंने आपका वीडियो देखा था जी। ये देख करके मुझे इच्छा जागृत हुई कि हम भी अपना लगाएं, इसलिए हम आज देखने के लिए आए। आपके अंदर भावना जागी कि आप इस स्प्राइलूना देखेंगे, विजिट करेंगे जी, इसको हम लगवाएंगे जी जी। आप करेंगे, आप करना चाहते हैं, करना चाहते हैं जी। तो आप देख लिए कैसे स्प्राइलूना बनता है, सारा चीज़ आपको बता दिए। आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, अनुभव भी जो है आपको हम निःशुल्क देते हैं। सारे किसान भाइयों को अनुभव निःशुल्क देते हैं। आप जो अनुभव लेते रहिए, आगे जो है रिसर्च करते रहिए। बहुत दूर दूर से किसान जुड़े हुए हैं जो कि इसको करना चाहते हैं। अभी कल हम एक नया टैंक स्टार्ट करवा रहे हैं, ये जो है एरिया पड़ता है लम्भुआ सुल्तानपुर से, और वो टैंक तैयार हो चुका है। इसी में जो है आज थोड़ा पानी गिर गया, इस वजह से नहीं स्टार्ट हो पाया। कल उसको हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम मदर कल्चर निकाल रहे हैं, जो कि हमको उनको देना है। मदर कल्चर उसमें डालना है, सारा चीज़ उसमें टैंक वैंक तैयार है। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको हम दिखाएंगे कि टैंक कैसे जीरो से तैयार होता है। उसमें जो है बनाते समय पूरा आपको हम सारा चीज़ दिखाएंगे कि कैसे जो है बनाया जाता है। अब देखिए इसको हम निकाल के एक बोतल में भर लेते हैं, जिससे जो है ये पैक कर लेते हैं। इसमें डालिए, देखिए ये देखो नंबर एक स्प्राइलूना बना है। देखिए अब इसको जो है ये डाल रहे हैं। आगे आपको लेयर दिखाते हैं कि हमारी लेयर जो है कितनी अच्छी है और बन रही है। अभी दोस्त जो है पानी गिर गया था, 3-4 दिन बरसात हुई, नहीं तो ये इतना मोटा लेयर हो जाता है, जो कि जो है निकालने में आसानी होती है। अभी जो है पानी गिरने की वजह से क्या है, थोड़ा सा जो है कम हो गया है, कम निकल रहा है। 5 लीटर निकाल देना है। हाँ, 5 लीटर जो है निकाल दीजिए, 5 लीटर
पाँच लीटर अगर इससे ज्यादा मोटी लेयर कल हो गई जी तो उसमें और ले लीजिएगा ना, उसको निकाल करके फिर ले लेंगे पूरा जो है कल फट गई, नहीं तो ये पूरा एक